नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट गणतंत्र। गणतंत्र के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे मेहमान इंदौर जिला पुलिस बल के रक्षित निरीक्षक RI सामान्य श्री जय सिंह तोमर साहब। तोमर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। आत्म अभिनंदन है प्राइम टॉक के इस स्पेशल कार्यक्रम के भीतर। गणतंत्र दिवस की जब भी बात आती है तो कहीं ना कहीं हम शक्ति, शौर्य, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा जो संविधान है, हमारे मौलिक अधिकार है, उसकी याद जरूर आती है और कहने की उसी की चर्चा भी होती है। लेकिन आपका एक दायित्व होता है हर वर्ष परेड कराने का। जिला पुलिस बल स्थानीय नेहरू स्टेडियम इंदौर में परेड का आयोजन करता है और इसके लिए काफ़ी एक पखवाड़े पहले से, एक सप्ताह भर पहले से काफ़ी मशक्क़त करता हुआ नज़र आता है। हर तरफ पीछे मुड़, दाएँ मुड़, आगे चल, ये आवाज़ जो है आकाश में गूंजती नज़र आती। पुलिस का वह चेहरा दिखाई देता है जो बहुत स्मार्ट, बेहद स्मार्ट कहा जा सकता है। किस तरह तैयारी होती है, आपसे ये भी समझना चाहेंगे परेड आखिर होती क्या है। परेड बेसिकली एक कोई सुसज्जित दस्ता, जवानों का एक सुसज्जित दस्ता जब अपने साज सज्जा के साथ में किसी जगह से गुजरता है तो उसे हम सामान्यतः परेड कहते हैं। लेकिन जिस परेड की आप बात कर रहे हैं उसे एक सेरेमोनियल परेड कहा जाता है। अच्छा, तो ये हमारे यहाँ पे विशेष त्योहारों पर की जाती है, जिसमें अपना गणतंत्र दिवस है, आपका स्वतंत्रता दिवस है, या 21 अक्टूबर को जो पुलिस स्मृति दिवस समारोह होता है उस समय ये सेरेमोनियल परेड कराई जाती है। किस तरह आयोजन होता है, किस तरह तैयारी होती है, कितना विशेष महत्व होता है खासतौर से गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड का? देखिए, ज़्यादा हम लोग शहीदों के लिए कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन एक पंक्ति जरूर मुझे याद आती है। क्या बात है, कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। जी जी, तो हम लोग केवल अपने शहीदों को ये मेले लगा करके उनको याद कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, और उनके लिए अपना जो शौर्य है जी उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इस तारतम्य में ये परेडें कराई जाती हैं, जिसमें हमारा जो अभी गणतंत्र दिवस का जो परेड है उसमें 10 टुकड़ियों को शामिल किया जा रहा है, जिसमें यहाँ की जो लोकल पुलिसिंग है, जैसे RIPTC इंदौर है, आपकी प्रथम वाहिनी है, 15वीं वाहिनी है, आपका पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, साथ ही साथ होमगार्ड है, फायर है, जिला पुलिस बल है, यातायात है, महिला प्लाटून्स है, इस प्रकार से कुल 10 टुकड़ियों को इसमें शामिल किया जा रहा है। और इन 10 टुकड़ियों को बेहतर से बेहतर ढंग से ट्रेनिंग दी जाए, चूंकि ये ट्रेंड सोल्जर ही रहते हैं, लेकिन ये जो हम 15 से 20 दिन की जो मेहनत करते हैं उसमें प्रयास ये करते हैं कि कहीं भी गलती की कोई गुंजाइश ना रहे, चूंकि यहाँ पर जो पूरी की पूरी जो परेड है उस पर एक बारीक नज़र प्रशासन के चाहे अधिकारी हों, चाहे पुलिस के आला अधिकारी हों, या फिर हमारी सामान्य जनता हो, बिल्कुल, जो उस परेड को देखने के लिए आते हैं महानुभाव, तो उसके सामने एक बेहतर परेड का नमूना पेश किया जाए। बिल्कुल सही, ये इस परेड को कराने का उद्देश्य है। और इस परेड के माध्यम से हम अपना डिसिप्लिन, हम अपना शौर्य, हम अपनी शक्ति इसको प्रदर्शित करते हैं। क्या बात है, बेहद अनुशासित तरीके से परेड का आयोजन होता है। और परेड जब होती है तो वाकई हर व्यक्ति के रोम रोम में कहीं ना कहीं एक देशभक्ति का जज्बा होता है, कहीं ना कहीं एक शौर्य का जो प्रदर्शन होता है, एक शक्ति का संचार होता है और हर भारतवासी से खूब खूब महसूस भी करता है। इसकी तैयारी, इसकी बारीकियों को सूक्ष्मता से सुनना चाहेंगे कि वो कौन से बिंदु पर आप लगातार नज़र जमाए रहते हैं कि हर आरक्षक आपके परेड में जो शामिल हो रहा है वाकई उम्दा से उम्दा प्रदर्शन कर पाए। इसमें बेसिकली दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इसमें एक तो व्यक्ति का जो चाल और ढाल है जी, और दूसरा उसका शस्त्र अभ्यास, इन दोनों है? चीज़ों पर हम विशेष ध्यान देते हैं। अगर वो परेड परेड का अर्थ सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसका जो इक्वलिटी है, जो लोग देखने वाले हैं वो एक जैसा सब कुछ करें, खूबसूरत अंदाज पेश हो, खूबसूरत एक साथ एक जैसा करें, कोई अलग से कुछ ना कर दे, इसका विशेष ध्यान रखते हैं। और इसमें हम सबसे पहले परेड का मार्च पास्ट देखते हैं। मार्च पास्ट में हम प्रयास ये करते हैं कि सभी के जो कदम हैं वो कदम से कदम मिलाए जा, वो वाली थीम पे काम करते हैं। और साथ ही साथ राइफल का जो अभ्यास है जी, जो आप लोग देखते हैं सलामी शस्त्र होता है, बाजू शस्त्र होता है, जोर से जो आप बोल रहे थे ना कि ये आवाजें आती रहती हैं, तो हम लोग प्रयास ये करते हैं कि सभी का एक जैसा हो, हर चीज में एक जैसे दिखाई दें जवान, एक डिसिप्लिन का एक बेहतर नमूना वहां पे प्रस्तुत हो। किस तरह की बारीकियों पर ध्यान दिया जाता है इसके लिए? सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं के परेड में जो जवान शामिल हो रहे हैं जी, उनकी जो हाइट और पर्सनैलिटी है जी, वो
एक जैसी रहे, दूसरा वो जो कदम ताल कर रहे हैं, कदम मिलाकर के तेज चाल चल रहे हैं, वो कदमों की जो जो लंबाई है वो बराबर रहे, कोई आगे या पीछे ना हो। बिल्कुल। दूसरा जो शस्त्र का जो अभ्यास है, जो राइफल का जो अभ्यास है, वो एक साथ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इन चीजों पर हम ध्यान देते हैं। जी। और इसके लिए बेसिकली जितने भी प्लाटून इसमें शामिल होते हैं, जैसे अभी 10 प्लाटून शामिल हैं, तो ये 10 प्लाटून पर 10 कमांडर रहते हैं। ओके। हर प्लाटून का एक कमांडर रहता है जो अपनी परेड की टुकड़ी को प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही साथ इनके साथ में एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर शामिल किए जाते हैं, जो DI है, वो जो 24 जवान जो इस टुकड़ी में शामिल हो रहे हैं, वो 2400 जवानों पर नियंत्रण रखता है। क्या बात। वो देखता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा है, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे सुधारा जा सके, इसका प्रयास रहता है। सर, जिला बल की परेड आप खूब कराते हैं, राज्य स्तरीय परेड भी होती है, नेशनल लेवल पे भी परेड का आयोजन होता है, कितना अंतर होता है तीनों स्तर पर जब परेड का आयोजन होता है, कितनी गंभीरता होती है? जी, राष्ट्रीय स्तर पर जो परेड होती है उस परेड में आपके तीनों सेनाएं भाग लेती हैं, NCC के और NSS के प्लाटून्स भाग लेते हैं, इसके अलावा पैरामिलिट्री वगैरह भी उसमें सम्मिलित होते हैं। राज्य स्तरीय जो परेड होती है वो हमारी भोपाल में होती है, और इसमें पैरामिलिट्री जो भी हमारे यहाँ पैरामिलिट्री के जो जवान हैं, जैसे VSF है या ITBP है या CISF है, इनके प्लाटून्स के साथ साथ में जिला पुलिस बल के प्लाटून शामिल होते हैं, इसके साथ में विशेष सशस्त्र पुलिस बल के प्लाटून शामिल होते हैं। तो ये हमारी राज्य स्तरीय परेड है। बिल्कुल। और इसके साथ ही जो जिला स्तरीय परेड होती है, जैसे हमारे यहाँ इंदौर की जिला स्तरीय परेड है, इसमें हमारे यहाँ के जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज हैं, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, बटालियंस हैं, और बटालियंस के अलावा VSF है, जिला पुलिस बल है, महिला बल है, यातायात बल है, ये सभी इस परेड में शामिल होकर इसको मूर्त रूप देते हैं। क्या बात है। एक पखवाड़ी की तैयारी होती है जब गणतंत्र दिवस आता है, पूरे तैयारी को एक ही दिन में प्रदर्शित किया जाता है, कितना तनाव रहता है इस आयोजन को एक बिल्कुल सकारात्मक तरीके से संपन्न कराने को लेकर आरक्षित निरीक्षक के दिमाग दिलो दिमाग पे? नहीं, स्ट्रेस तो नहीं रहता। स्ट्रेस इसलिए नहीं रहता क्योंकि हमारा जो जवान है उन पर हमें फुल कॉन्फिडेंट रहता है, क्योंकि वो एक वर्ष की ट्रेनिंग किए हुए भी रहते हैं। साथ ही साथ हम उनको 15 से 20 दिन तक लगभग 8 घंटे प्रतिदिन मेहनत करवाते हैं, और इस मेहनत का जो मूल जो परिणाम निकल के आता है वो गणतंत्र दिवस के दिन निकल के आता है। बिल्कुल सही। तो हम लोग उनको वेल ट्रेंड करके रखते हैं, तो स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं रहेगा। जिस तरह साप्ताहिक परेड का भी आयोजन किया जाता है DRPL में, उसके कितने लाभ मिलते हैं जब मुख्य परेड होती है उसमें? हाँ, साप्ताहिक परेड का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग अपने जवानों को चुस्त और दुरुस्त बनाए रखें, साथ ही साथ उनको परेड में शामिल कराएं। परेड में शामिल होने के साथ साथ वो अपना बेसिक नहीं भूल पाएं, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। और आपकी जो साप्ताहिक परेड है उसमें जवान की चुस्ती दुरुस्ती, ठीक है, उनका डिसिप्लिन देखा जाता है। साथ ही साथ जिस परेड की आप बात कर रहे हैं, जो गणतंत्र दिवस या पुलिस स्मृति दिवस या फिर स्वतंत्रता दिवस पे हम लोग कराते हैं, वो एक सेरेमोनियल परेड होती है, और उस सेरेमोनियल परेड को देखने के लिए हमारे जो पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, साथ ही साथ प्रशासन के पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं, और यहाँ के जो राजनेता हैं, हमारी जो माननीय जनता है, ये सभी लोग उसको देखने के लिए आते हैं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम अपने जो पुलिस के जवान हैं उनका जो शौर्य है, उनकी जो शक्ति है, उनका जो अनुशासन है, उनका जो उत्साह है, वो सभी के समक्ष बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर पाए। बिल्कुल सही कहा आपने। एक अश्वारोही दल को भी काफी ट्रेंड किया जा रहा है, किस तरह की परंपरा है, किस तरह का उपयोग होता है और कितना शौर्य का प्रदर्शन हो पाता है अश्वारोही दल के माध्यम से? इंदौर जिला पुलिस बल के साथ में कहाँ का दल शामिल होता है? हमारे पास जो अश्वारोही दल है वो प्रथम वाहिनी इंदौर के पास है, साथ ही साथ रुस्तम जी आर्मर्ड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, RAPTC, वहाँ पर एक अश्वारोही दल है। ये अश्वारोही दल का वैसे मुख्य उद्देश्य रहता है जब कभी कोई भीड़ भाड़ जो रहे कहीं पे, जैसे मान के चलो हमारे यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो रहा है या कहीं भी अन्य जगह भीड़ भाड़ हो रही है, तो उनको भीड़ को तितर बितर करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन जो राष्ट्रीय जो समारोह है यहाँ पर अश्वारोही दल का उपयोग अभी वैसे तो जैसे भोपाल है वहाँ पर इनका एक पूरा का पूरा जो प्लाटून है वो परेड में शामिल होता है अश्वारोही दल, लेकिन यहाँ पर मानी जो सलामी लेने के लिए जो भी माननीय आते हैं उनका पायलटिंग में इनका उपयोग किया जाता है, जिसमें लगभग 8 अश्वारोही दल शामिल किए जाते हैं।
इनको ट्रेंड किया जाता है या फिर ट्रेंड ही होते हैं? ये बेल ट्रेंड रहते हैं, क्या और बात है, अभी जो परेड हो रही है इसमें इनकी रोजमर्रा ट्रेनिंग की जाती है। क्या बात है। एक वाहन का उपयोग काफी सुसज्जित तरीके से किया जाता है जिसमें जो भी माननीय आते हैं वो परेड की सलामी लेते हैं और काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं स्वयं को भी, और कहने की बल जो होता है हमारा पुलिस बल जो होता है, जो परेड में शामिल होने वाले जो जवान्स होते हैं वो भी उन्हें काफी शिद्दत से सैल्यूट करते हैं। कैसा लगता है इस नज़ारे को देखकर? ये बड़ा उत्साह रहता है उस समय, क्योंकि परेड की जो परेड ग्राउंड है उसमें 10 टुकड़ियां शामिल हो रही हैं, बहुत जी लंबी परेड रहती है। जी तो उस परेड को निहारने के लिए, उसे परखने के लिए जी जो भी माननीय वीआईपी जो आते हैं उनको उस जिप्सी वाहन को बड़े अच्छे से सजाया जाता है, बिल्कुल और सही उस पर कहा उनको खड़े करके और पूरी परेड का भ्रमण कराया जाता है। जी। तो ये हमारे द्वारा पुलिस का जो व्हीकल्स है उसको तैयार करके इस वाहन को अपन उपयोग में लाते हैं। सर, इस बार की जो परेड है इसमें क्या विशेष होने जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हर साल जिला पुलिस बल कुछ ना कुछ विशेष करता है अपने शौर्य और शक्ति के प्रदर्शन के लिए। इस बार विशेष माननीय सीएम साहब की तरफ से विशेष है कि हमारा जो इंदौर के लिए गौरव की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस परेड की सलामी लेने के लिए आ रहे हैं, और हमारे लिए भी गौरव की बात है कि हम अपने प्रदेश के जो मुखिया हैं उनको जिला पुलिस बल और यहाँ के जो अन्य जो पुलिस के जो दल हैं वो जी सभी लोग सलामी देने जा रहे हैं। क्या बात है। और खास बात इस बार ये भी देखी जा रही है कि पहली परेड होने जा रही है जिसमें पुलिस कमिश्नरी जो बरसों बरस से आईपीएस लॉबी को जिसका इंतजार था बड़ी खुशनुमा माहौल में होगी, जी उसका भी कोई असर देखने को जी मिल जी रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, जी और ऊर्जा तो संचरित हुई है, साथ ही साथ कमिश्नरी लागू होने के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं, और उनको हम पूर्णतः निभाने के लिए तन मन से मेहनत कर रहे हैं। सुरक्षा की बात की जाए तो जब भी बड़े वीवीआईपी परेड की सलामी लेते तो किस तरह एहतियात बरतनी पड़ती, अतिरिक्त? ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं परेड में, जी तो यह जो हमारा जो गणतंत्र दिवस परेड जी है जी इसमें किसी भी प्रकार की कोई असामाजिक तत्व तो शामिल ना हो जाए जी और किसी ऐसी घटना को अंजाम ना दे दे जी जिससे हमको नीचा देखना पड़े। इस तारतम्य में हमारे द्वारा सभी जो वहाँ पर BDDS की टीमें लगाई जाती हैं, साथ ही साथ सभी जो हमारे मेन गेट है जहाँ से जनता की एंट्री होती है, VVIP VIPओं की एंट्री होती है, सभी जगह पर DFMD डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाए जाते हैं। साथ ही साथ हमारा जो डॉग स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड पूरी तरीके से हमारे जो जहाँ पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है उसको अच्छे तरीके से स्क्वाड करता है। चलिए अरई साहब, आपने इस व्यस्तम समय में द प्राइम टॉक से चर्चा की, हृदय से चर्चा की, परेड के बारे में, परेड की बारियों के बारे में सूक्ष्मता से अपनी बात रखी, आपने हमसे चर्चा की, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार।